दोस्तों, एक यूट्यूबर बड़ी मेहनत करने के बाद जब अपने यूट्यूब के चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के टारगेट को कंप्लीट कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि अब मैं अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करूंगा और जैसे ही मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल से इनकम कर पाऊंगा। बट दोस्तों, जैसे ही वो अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करता है तो फ्रेंड्स, उसका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और अंडर रिव्यू में ही पड़ा रहता है, यानी उसका सिर्फ प्रोसेसिंग उसको देखने को मिलता है। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मेरे चैनल के साथ ऐसा क्या हो रहा है, मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वो बड़े-बड़े यूट्यूबर के पास जाता है, उनको कमेंट करता है, उनको मैसेज करता है, बट बड़े यूट्यूबर काफी बिजी होने की वजह से उनको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जिनका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और अंडर रिव्यू में ही पड़ा रहता है, सिर्फ प्रोसेसिंग उनको देखने को मिलती है, तो वह यूट्यूबर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका YouTube चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो क्या इसके रीजंस हो सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। तो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, यानी पहले रीजंस की बात करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाने के बाद काफी दिनों तक क्यों पड़ा रहता है, क्यों हमें प्रोसेसिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला रीजन है कि जैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए आप अपने YouTube के चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मोनेटाइज आपका अप्रूवल करता है वो कोई मशीन नहीं होती है बल्कि ह्यूमन होता है, यानी दोस्तों एक इंसान होता है, एक मानव होता है, आपके YouTube चैनल को रिव्यू करता है, चेक करता है, अगर उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आपके YouTube चैनल को अप्रूव कर देता है, यानी आपके YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन कर देता है। अगर आपको आपके चैनल पे उसको कुछ प्रॉब्लम दिखती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को लेकर के या यूट्यूब पॉलिसी को लेकर उसको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है वो कोई मशीन नहीं करती है बल्कि ह्यूमन करता है, यानी मानव करता है, इंसान द्वारा आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया जाता है। सेकेंड बात करें दोस्तों कि एक रीजन इसमें और निकल के आता है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जब एक महीने में या एक समय में एक साथ अप्लाई कर देते हैं तो जो यूट्यूब की जो टीम है, मोनेटाइजेशन वाली जो टीम होती है, जो चैनल को अप्रूव करती है मोनेटाइजेशन को या उसको रिजेक्ट करती है, उन टीम के पास काफी सारे प्रेशर्स हो जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आ जाते हैं एक टाइम पे कि उनको चेक करना है, उनको रिव्यू करना है, उनके यूट्यूब चैनल को अप्रूवल देना है। तो फ्रेंड्स, काफी सारी प्रॉब्लम हो जाती है उनके सामने, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल मोनेटाइजेशन में आ जाते हैं, यानी लंबी लाइनें लग जाती है यूट्यूब चैनल वालों की, यानी जिन भी लोग यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों की लाइन आ जाती है, इसके वजह से फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन में काफी डिले होता है। दूसरा डिले का फ्रेंड्स एक और ऑप्शन होता है कि दोस्तों कि जैसे कि बहुत से लोग अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते कि कौन से महीने में अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज़ समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को नॉर्मली पता है कि हम लोग हमेशा नए साल को मतलब 1 जनवरी को ही नया साल के रूप में मनाते हैं, बट फ्रेंड्स आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि जो बैलेंस शीट वाला चीज होता है, जो बैंकिंग चीज होता है, यानी लेखा जोखा वाला जो चीज होता है, यानी जो पूरा बिजनेस वाला जो डे होता है, वो एक नया साल जो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, यानी दोस्तों उनका जो नया साल है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है, उनका जो नया साल है 1 जनवरी को न स्टार्ट होकर के 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, और 31 मार्च दोस्तों जैसे ही आते हैं उनके पास बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं कि उनको ये हिसाब देना पड़ता है कि इस साल में उन्होंने क्या इनकम किया है, यानी क्या प्रॉफिट किया है, क्या लॉस किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मार्च वाला महीना होता है काफी एक तरीके से कहते हैं ट्रैफिक भरा होता है, बिजनेस वालों के लिए काफ़ी सारा लोड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस महीने में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा आपका मोनेटाइजेशन में डिले होने का एक रीजन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें यूट्यूब टीम के वालों के पास भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, इसके वजह से फ्रेंड्स आपका यूट्यूब चैनल अंडर रिव्यू में जाता है और काफ़ी दिनों तक अंडर रिव्यू में ही पड़ा रहता है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों
दूसरे रीजंस की कि दूसरा रीजंस क्या हो सकता है कि हमारा यूट्यूब चैनल रिव्यू में जाता है और रिव्यू में ही पड़ा रहता है, 15-15, 20-20 दिन पड़ा रहता है, मोनेटाइज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रीजंस जो मैं बताया, दूसरा रीजंस ये होता है कि फ्रेंड्स की यूट्यूब का सर्वर प्रॉब्लम, यानी दोस्तों यूट्यूब का सिस्टम इशू हो सकता है या पॉलिसी अपडेट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूट्यूब जो है एक ऐप है और ऐप पे हमेशा अपडेट आते रहते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब पॉलिसी को लेकर के अपडेट आ जाता है, कभी कभी यूट्यूब मोनिटाइजेशन पॉलिसी को लेकर के अपडेट आ जाता है। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारी पॉलिसी के अपडेट भी आते रहते हैं, कुछ पॉलिसी में चेंजेस भी किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स कभी कभी इन सब अपडेट होने की वजह से या चेंजेस होने की वजह से मोनेटाइजेशन पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से आपका जो मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी डिले हो जाती है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन में काफ़ी डिले हो जाता है, यानी प्रोसेस में रहता है या रिव्यू में पड़ा रहता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप लोग जो आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फ्रेंड्स जो मैंने बताया कि जो सर्वर प्रॉब्लम होता है, कभी कभी होता है दोस्तों, ऐसा तो होता नहीं कि जो प्रॉब्लम हो, लेकिन यूट्यूब पर कभी कभी एक टेक्निकल इशू भी हो जाता है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपका जो चैनल है मोनेटाइज नहीं होता जल्दी, काफी दिनों तक पड़ा रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे रीजंस की। तो दोस्तों यहां पे तीसरा रीजंस को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज को गलतियां कर देते हैं और उनका यूट्यूब चैनल जल्दी मोनेटाइज नहीं होता है, काफी दिनों तक ही अंडर रिव्यू में ही पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स यहां पे एक चीज है कि जब भी लोग आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत पड़ती है, और ऐसे में वहां पे एक ऑप्शन पूछा जाता है, क्या आपके पास एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप लोग उसको नो करते हैं या यस करते हैं तो ये आपके बहुत डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई भी एक नया एडसेंस अकाउंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि मैं बोल दिया कि मेरे पास कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है पहले से, तो मेरा एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब मेरा मोनेटाइज होता है उसमें मेरा एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो पहले से ही एक एक एडसेंस अकाउंट बना कर रखते हैं या 2-3 एडसेंस अकाउंट बना कर रखते हैं, और जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पुराना वाला एडसेंस अकाउंट का लिंक डाल देते हैं या एक तरीके से कह सकते हैं कह देते हैं कि मेरा एक एडसेंस अकाउंट है। तो यहां पे YouTube टीम के पास काफी प्रेशर हो जाते हैं कि वो आपके YouTube चैनल को भी चेक करता है और साथ में वो एडसेंस अकाउंट को भी चेक करता है कि आपका एडसेंस अकाउंट ठीक ठाक तो है, सब कुछ वैलिड तरीके से है कि नहीं। तो फ्रेंड्स YouTube की टीम के पास एक तरीके से कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा उनको प्रेशर दे देते हैं कि उनको उलझा देते हैं कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने यूट्यूब के चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जब भी अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए कि मेरे पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं है। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाता है और नया आपका एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे रीजंस तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए कोई एक फिक्स टाइम नहीं है YouTube पर, लेकिन YouTube कहता है कि आपके YouTube को चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए, मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए हमें एक महीने का समय चाहिए होता है। ध्यान से सुना दोस्तों, YouTube का कहना है कि YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए हमें एक महीने का समय होता चाहिए होता है, और कभी कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हमारा कोई सर्वर इशू हो सकता है या सिस्टम इशू हो जाएगा तो एक महीने से ज़्यादा भी हमें समय लग सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा वेट करना है, पेशेंस बनाए रखना है, यानी धैर्य बनाए रखना है, कभी भी हड़बड़ाना नहीं, जल्दबाजी में कोई गलत काम नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया तो वेट करिए, आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर मोनेटाइज होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा, अगर मोनेटाइज नहीं होना होगा तो वो भी पता चल जाएगा, आपके YouTube चैनल की ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, अंडर रिव्यू में पड़ा होता है, तो क्या इसका रीजंस होता है और इसका क्या सॉल्यूशन होता है। यानी दोस्तों मिला जुला के बात इतनी है कि आपको एक महीने या 1.5 महीने का वेट करना चाहिए, परेशान नहीं होना है, पेशेंस बनाए रखना है। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।